गाइज आप लोगों ने रिमोट कंट्रोल कार देखी होगी, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर देखा होगा, रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन देखा होगा, लेकिन क्या आपने रिमोट कंट्रोल बर्ड देखा है, यानी कि पक्षी जो कि रिमोट से उड़ता है। तो आज हमारे पास में यहां पर है एक रिमोट कंट्रोल फ्लैपिंग विंग बर्ड, जो कि भैया रिमोट से कंट्रोल होता है, पंख फड़फड़ा के उड़ता है। तो आज हम इसी कमाल की चीज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और मेरे लिए भी एकदम नई चीज है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि इसके अंदर क्या है और किस तरीके का बर्ड मिलेगा, कैसे वो उड़ेगा पंख फड़फड़ करके। तो फटाफट से शुरू करते हैं आप लोग इस कमाल की वीडियो के लिए। नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए, और अगर आपको ये मंगवाना है तो आपको Amazon का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाने वाला है। दोस्तों हमारा जो फ्लैपिंग विंग ई बर्ड है वो आया है इस तरीके के पैकेट में Amazon से, जो कि एक ठीक ठाक सी पैकेजिंग है, गत्ते में इन्होंने बंद कर रखा है। तो इसके ऊपर जो टेप लगी है फटाक से उसको हटाते हैं और देखते हैं अंदर क्या मिलता है। तो यहां पर जो है भाई, मैंने इसकी टेपिंग हटा दी है और यहाँ पर एक नया डब्बा खोलने में अलग ही मजा है। तो यहाँ पर इस तरीके की एक फिल्म के प्रोटेक्टिव फिल्म के अंदर ही आता है, अंदर एक और बॉक्स है। तो इसको भी हटाते हैं फटाक से चीर फाड़ करके। तो इस सब को भी अब हटाते हैं, यार कितना कुछ दे देते हैं ऑनलाइन जब हम सामान मंगवाते हैं। इसके ऊपर एक और बबल रैप भी है, अरे भाई सारी मेहनत तो तुम ही करवा दोगे। तो यहाँ पर ये भी हट गया, और यहाँ पर है आपका फ्लैपिंग विंग ई बर्ड, जो कि रिमोट कंट्रोल्ड है। तो भैया अगर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर फिनिक्स लिखा हुआ है, नीचे पता नहीं कौन सी भाषा लिखी हुई है। यहाँ पर आपको एक बर्ड दिखेगा, मुझे पन्निया सी दिख रही है। यहाँ पर रिमोट कंट्रोलर भी दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। पीछे की बात करें तो यहाँ पर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, अब आई एम नॉट श्योर चाइनीज है या नहीं है। यहाँ रिमोट कंट्रोलर की फोटो है, ये पक्षी की फोटो है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो फटाक से ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसकी टेप हटाते हैं और इसको खोल करके बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर ये आने वाला है आपके सामने, ठीक है। और गाइज अब मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे ये इसकी प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी महंगा लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि उड़ने में ये कैसा होगा। तो यहाँ पर है हमारा छोटा सा बर्ड, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन एक बात और भी है कि भाई जो पक्षी है उसको हवा में उड़ना है, तो इसलिए उसका हल्का होना ज़रूरी है। तो एकदम हल्का प्लास्टिक है, यहाँ पर सिर्फ पन्नी है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है आई थिंक ये प्लास्टिक या स्टील के वायर से कनेक्टेड है, प्लास्टिक ही लग रहा है मुझे। और ये जो है इसके पंख हैं, पंखों के ऊपर काफ़ी बढ़िया सा डिज़ाइन है। पक्षी हमारा है ग्रीन कलर का, और पीछे है इसके पंख जो कि बहुत ही लाइट वेट मटेरियल फोम से बने हुए हैं, और पीछे यहाँ पर एक फिन आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि कुछ इस तरीके से घूमता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये किस तरीके चलता है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, और यहाँ पर है इसका चार्जिंग केबल जो नोकिया के फ़ोन में आती थी ना, 1100 में या कौन से में आती थी, वैसा कुछ है। और ये है इसका कंट्रोलर। तो फटाक से सारी चीज़ों को रेडी करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो भाई इसके अंदर इस तरीके के चार डबल ए साइज के बैटरी जलते हैं, और अब इस कंट्रोलर में एक रेड कलर की बत्ती जल गई है। इसका जो ढक्कन है उसको कर लेते हैं भाई बंद, और फिर देखते हैं क्या होता है। ये हो गया बंद। यहाँ पर इस बर्ड के नीचे एक स्विच है यहाँ पर ऑन ऑफ का, तो छोटा सा स्विच है, बहुत छोटा, इसको दबाता हूँ और यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट जल गई। तो अब मैं इस बर्ड को पकड़ रहा हूँ हाथ में, और मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। यहाँ पर दो कंट्रोलर है, एक ये जो है ऊपर स्लाइड करेगा और दो बटन्स हैं। तो पहले जो है इसको स्लाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये इससे। हाँ भाई कुछ तो करो। ओ है, ओ भाई ये क्या था, डरा दिया है साले को, डरा दिया। ओ भाई, और ये हवा दे रहा है काफी तेज, देखो कहाँ दे रहा है हवा, यहाँ दे रहा है। वो हो, और स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। अब देखो अब जो है धीरे धीरे हिला रहा है, जैसे ही मैं इसको ऊपर करूँगा थोड़ा फास्ट हिला रहा है, और ऊपर करूँगा और फास्ट हिला रहा है, और ऊपर करूँगा तो फुल थ्रॉटल में फुल स्पीड में ये अपने पंख हिला रहा है। गाइस क्या बात है। और ये जो दो बटन्स हैं इनसे इसकी साइड की ये फिन कंट्रोल हो रही है। देखो ये देखो, अभी साइड में है, अब दूसरे साइड में, अब इधर देख रहा है वाइट वाला पार्ट। तो गाइस इसको उड़ाने में मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आने वाला है,
तो अगर मैं इसको छोड़ू, अबे गया, ओ भाई, अरे बाहर चलो यार, मजा आने वाला है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं खुले में, और यहाँ पर जो है अब करते हैं इसकी टेस्टिंग, फिर से इसको करते हैं ऑन। तो यहाँ पर ये हो गया ऑन, रिमोट कंट्रोलर को करते हैं ऑन, ये भी हो गया। क्या हुआ इसको? What is the problem? चल गया। देखो आवाज भी ऐसे करता है जैसे कोई पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। तो अब जो है मैं इसको छोड़ने वाला हूँ इस डायरेक्शन में, और देखते हैं क्या होता है। स्पीड बढ़ा के ऐसे करके, और मुझे, अरे उड़ गया। ओए अबे, ओ शिट, अबे ओए अबे, मैं मेरी तरफ घुमा लिया। ओ ओ ओ भाई, अबे यार क्या बात है, काफी बढ़िया से जो बर्ड है वो उड़ा था यार। पहली बार मैंने उड़ाया तो इतना ही कंट्रोल हुआ, इस बार जो है इस साइड में उड़ाते हैं इसको। और ये गया हमारा पक्षी। जा भाई जा 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 जा, अबे जा। ओए अरे यार यार, वास्तव में काफी बढ़िया से कंट्रोल होता है, आप लोग खुद देखो। ओए उसके साथ में असली पक्षी उड़ने लग गया। ओ अरे यार क्या बात है, थोड़ा थोड़ा स्लो, थोड़ा नीचे आ जा भाई। गाइस देखो पक्षी वहां उड़ रहा है, अरे आ जा, अबे हवा के साथ गया। ओ भाई कहाँ गिरेगा वो, देख रेस्त्री का सलमान खान कहाँ, भाईजान भाईजान का कुछ उड़ ले, भाईजान दिखाई ना दे रहे। ओ हो 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 हो, अरे 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 अरे, पेड़ में अटक गया। पक्षी जो हैं वो उसके साथ में उड़ने लगते हैं। भाई अब जो है मुझे लगता है इसकी बैटरी डाउन हो गई। तो भाई यहाँ पर ये जो बर्ड है काफी मजेदार तरीके से उड़ता है रिमोट से, आपने देखा, और मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना कमाल उड़ेगा। तो भाई उड़ता हुआ पता आसमान में चढ़ जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो पक्षी हैं जो बर्ड्स ऐसे उड़ रहे हैं ना, वो इसके आसपास आके कोई टक्कर मार रहा है, कोई इसके पास में उड़ रहा है। तो अगर आपको मज़ा आया इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग में, टेस्टिंग में, तो इस वीडियो के लिए नीचे लाइक तो ज़रूर से बनता है यार, इतना मज़ा तो किसी किसी प्रोडक्ट में आता है। एक चीज़ ज़रूर है कि इसकी प्राइसिंग के हिसाब से मुझे ये काफ़ी महंगा लगा है, इसकी क्वालिटी के हिसाब से भी ये काफ़ी महंगा है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको मंगवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक भी मिल जाएगा, मंगवा सकते हो अगर आपकी इच्छा है कुछ यूनिक सी चीज़ चाहिए तो। तो आज के लिए इतना ही, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।